तो भाई साहब आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त इंडियन बस सिमुलेटर गेम लेके आया हूँ, जिसके अंदर आप लोगों को हाई क्वालिटी की HRTC बस ड्राइव करने के लिए मिलती है। बहुत ही यूनिक प्रकार का बस सिमुलेटर गेम है। शायद आप लोगों ने आज तक ऐसा इंडियन बस सिमुलेटर गेम खेला ही नहीं होगा। यह गेम 26 जनवरी 2022 को रिलीज हुआ था और इस गेम का साइज मात्र 60 MB है। अब आप कहोगे 60 MB का गेम और तारीफ इतनी ज्यादा कर रहा है। भाई एक्चुअली में तारीफ के काबिल है ये गेम। आप खुद खेलोगे आप लोगों को पता चल जाएगा। इस गेम के अंदर हम लोगों को हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स मिलते हैं, 3 प्रकार के स्टेयरिंग कंट्रोल मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के कैमरा एंगल्स मिलते हैं, जिसमें इंटीरियर व्यू 360 डिग्री रोटेशन के साथ मतलब मुंडी घुमा के पूरी बस को देख सकते हो भाई। और रास्ते में जब आप जाते हो तो आप लोगों को जो पहाड़ मिलते हैं, एक तरफ खाइयां मिलती हैं और जो चट्टानें होती हैं वो सड़क पर गिरती हुई मिलती हैं, कहीं पर टावर गिरे मिलते हैं, मतलब तबाही वाला रास्ता है भाई। केयरिंग करके आप लोगों को ड्राइविंग करनी पड़ेगी, वरना आपकी बस के ऊपर पत्थर पड़ जाएंगे। गजब का गेम है, मजा आप लोगों को आएगा। अभी हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यार एक काम करो, चैनल सब्सक्राइब करो। नीचे सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा होगा लाल अक्षरों में, उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, घंटे के निशान को दबाओ और फिर चलो अपने गेम पर, लेट्स स्टार्ट। तो भाई ये अपनी बस है, देखो देवभूमि हिमाचल इसके ऊपर लिखा हुआ है। डिजाइन भी बस का बहुत ही ज्यादा प्यारा है, देखने में मस्त लग रही है बस। और गेम का नाम लास्ट में बताऊंगा मैं आप लोगों को, बिल्कुल जो इंडिया की टाटा बस आती थी पुराने टाइम में, पुराना क्या अभी भी 10 साल पहले तक चलती थी, उस जैसी बस देखने को मिल रही है। तो अभी हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, हम जल्दी से सिटी को कवर अप करते हैं और एक पहाड़ी एरिया में चलते हैं। तो मैं जितना भी मतलब आप लोगों को दिखाऊंगा ना, वो पहाड़ी एरिया ही दिखाऊंगा इस गेम प्ले में, बाकी बीच का रास्ता उसे मैंने कट कर दिया है। और बस देखो यार कितनी प्यारी लग रही है। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं इस गेम की, थोड़ी सी चश्मूस होती तो दिखाई देती है, लेकिन यार 60 MB का गेम है, इससे बढ़कर आप लोगों को और क्या चाहिए। बिल्कुल ETS2 जैसा लगता है यदि हम ETS2 के लाइट वर्जन की बात करें तो। तो अभी हम आ गए हैं पहाड़ी रास्ते की तरफ, यहाँ से हम लोगों को जाना है और ये रास्ता हमें लेके जाएगा एक ऐसी जगह पर जहाँ पर खतरा हमारा इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर रास्ते में हम लोगों को पहाड़ पड़ते हुए मिलते हैं और उनसे बचकर ही चलना पड़ता है। वादियाँ देखो कितनी ज़बरदस्त हैं, यहाँ पर हरियाली भी बहुत अच्छी छाई हुई है और 60 MB के गेम में यार इतने अच्छे ग्राफिक्स मिल रहे हैं और क्या बच्चे की जान लोगे। बस गेम को खेल लेना, नाम मैं बता दूंगा थोड़ी देर में आप लोगों को। यहाँ पर स्टेयरिंग की मूवमेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है, हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद क्योंकि अपडेट वगैरह आएंगी तो उसमें हो जाती है चेंज। बस इस गेम को डाउनलोड करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और बहुत ही ज़बरदस्त गेम है। मैं इसके बारे में और क्या ही कहूँ यार, 1 लाख से ज़्यादा यूजर ने इसे अब तक डाउनलोड करा लिया है, कहाँ पे अटक गई पता नहीं, निकल गई। गेम टोटली ऑफलाइन है, इंटरनेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 60 MB वेस्ट करो, उसके बाद इंटरनेट बंद करिए अभी खेलो, चाहे मज़ा आएगा भाई। अभी आप रास्ता देखते जाना, थोड़ी सी मतलब ब्राइटनेस तो कम लगती है गेम के अंदर, लेकिन अभी नहीं, देखो शाम का टाइम है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, गेम में शाम हो रखी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि ब्राइटनेस कम हो, अदरवाइज़ मेरे को तो ये गेम बहुत ही अच्छा लगा है भाई। रास्ते देखो अभी आप, एक तरफ गहरी खाई है, एक तरफ पहाड़ी है ऊंची सी, यदि यहाँ पर टावर भी है, ये टावर नहीं, ये तो खड़ा ही है, बिजली का खंभा है यहाँ पर, साथ साथ में बिजली की लाइन भी जा रही है ना और खंभे भी हैं। अभी रास्ते में पहाड़ पड़ेगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये टकरा गए भाई, अभी रिवर्स लेनी पड़ेगी, बस थोड़ी सी रिवर्स लेते हैं, होती कैसे है रिवर्स, ये ब्रेक वाले पैडल से ही होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही मेरे भाई, हो जा कहीं पे, ब्रेक के अलावा और कुछ है भी नहीं, तो इसी से होगी, ब्रेक से ही होगी, दोबारा प्रेस करके देखते हैं, हो गई, चलो 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 बन गई बात। अभी चलते हैं कटाई काट के, मतलब जो ड्राइविंग है ना बिल्कुल स्मूथ चलते है, गेम प्ले में थोड़ा सा भी लैग दिखाई नहीं देता, स्टेयरिंग की मूवमेंट भी बहुत अच्छी है, सब कुछ इस गेम में अच्छा है। वैसे एक तो ये स्टेयरिंग की मूवमेंट दिखने लगी है और थोड़ी सी ये ब्लिंकिंग हो रही है ना, जो ये ख़त्म हो जाए तो बहुत ही प्यारा गेम है और खेलते इसमें आप लोगों को मज़ा आएगा और ज़्यादा फिलहाल अब आ रहा है उससे भी ज़्यादा। पहाड़ी एरिया का बहुत ही ज़बरदस्त बस सिमुलेटर गेम है यदि आप खेलना चाहो तो। अभी हम पहाड़ों के बीच से ही गुजर रहे हैं, जाना कहाँ से है, यहाँ पे एक खड़ी मुड़ा है, यहाँ पे अटक गई बस कहीं पे, पीछे अटकी है शायद, आगे लेके थोड़ा सा अभी सही बात बन गई, तो भागो फिर से बिल्कुल स्टे। अरे ये भाई सिनेमेटिक कैमरा एंगल व्यू ETS2 में मिलता है, सेम उसकी कॉपी, बिल्कुल ज़बरदस्त, आराम आराम से। जब आप इस गेम के होम पेज पे जाओगे ना, वहाँ पर भी आप लोगों को ETS2 की बस की ही फोटो लगाई दिखाई देंगी, जो टाटा 56 मैं बहुत बार खेल चुका हूँ उसी की, तो इसी वजह से मैंने भी अपने थंबनेल पर वही फोटो लगा ली, हमारे पास है तो हम भी लगाएंगे। बाकी बस ठीक है, मतलब कोई फेक सौदा नहीं कर रखा बंदों ने, बहुत ही प्यारा बना रखा है गेम को। यहाँ पर फिर मोड़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मतलब घुमावदार रास्ते हैं,
सामने बर्फ पड़ी हुई है पहाड़ के ऊपर, बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है इंटीरियर में। हालांकि यहाँ पर ड्राइविंग इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, अपने यहाँ पे राइट हैंड साइड होती है, एडजस्टिंग करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा तो, है ना। शायद मैं ठीक कह रहा हूँ, उसी साइड होती है, बाकी मेरे को याद नहीं, अभी मैं भूल गया यार। उसी साइड होती है राइट हैंड साइड। यहाँ पर फिर से एक घुमावदार मोड, आराम से ले लेता हूँ थोड़ी सी बस को। देखो देखो पत्थर पड़ा भाई, पत्थर पड़ा, ए ए ए बच गया, बच गया मैं, या मेरे ऊपर आया हुआ है, दिखाऊं मैं क्या? देखो भाई जस्ट बचे हैं भाई बुरी तरह से। चलो बस तो गए, अभी चलते हैं यहाँ से, निकल कर भागते हैं। हो भाई ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़ते हुए दिखाई देंगे आप लोगों को, मेरे पहली बार सामना हुआ है ऐसे पत्थरों से। अभी फिर एक घुमावदार रास्ता है, यहाँ से हम लोगों को मोड़ देना है, यहाँ से घूम के फिर हम लोग नीचे जाने वाले हैं। ऐसे ही घूमते फिरते नीचे जाएंगे हम, फिर से यहाँ पर एक घुमावदार रास्ता, मतलब यहाँ से आप ध्यान नहीं हटा सकते स्क्रीन से, ध्यान हटाया तो कुछ ना कुछ पंगा होगा, या तो नीचे जाओगे या फिर कोई पहाड़ पत्थर पड़ा मिलेगा आपके ऊपर। सीधा ही चलना है अभी, ये बात एकदम से प्रकट हो रही है सारी चीज़ें। यहाँ पर फिर एक मोड है, इस मोड को भी ध्यान से लेंगे, आराम नाल आराम नाल। फिर एक मोड, इस मोड को भी प्यार से ही लेंगे। यहाँ पे आप लोगों को पीछे धुआं सा दिखाई दिया था, एक्चुअल में ये धुआं नहीं है बल्कि बादल हैं जो, अरे यहाँ पे टावर गिरा हुआ है भाई, कैसे गिर गया है टावर पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा टावर है जो गिरा हुआ है। चलो कोई नहीं, हम तो बच के निकल रहे हैं ना, पहले पहाड़ पे से पत्थर गिरते हुए मिले थे, अभी टावर गिरा हुआ मिला है। सीधे चलेंगे, चलो मतलब एकदम से फुल ऑफ इंजॉयमेंट है ना, गोल गोल रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते हैं, घूमते रहो इधर का उधर, उधर का इधर, मज़ा आ जाता है भाई खेलते इसमें। ऐसे रास्ते हम लोगों को मतलब मिलते ही नहीं किसी बस सिमुलेटर गेम में जैसे इसमें मिल रहे हैं। ओ मैप ख़त्म हो गया भाई, आगे रास्ता ही नहीं है, यहीं तक था, आगे डेवलपमेंट चल रहा होगा, मैप कम्प्लीट नहीं हुआ इनका, तो हम लोगों को यहीं पे रोकना पड़ेगा अभी गेम प्ले, क्योंकि इससे आगे तो हम लोग नहीं जा सकते, आगे रास्ता ही नहीं है, तो जाएंगे कैसे। ये देखो कहा था ना 360 डिग्री रोटेशन मिलता है इंटीरियर कैमरा एंगल में। तो आई होप आप लोगों को ये गेम अच्छा लगा हो। अब बारी आती है गेम की, तो इस गेम का नाम है इंडियन बस सिमुलेटर 3D। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इसका नाम लिख के सर्च मारो, वहाँ पर भी आसान से मिल जाएगा, तीसरे नंबर पर ही आ जाता है सर्च रिजल्ट में। बहुत ही ज़बरदस्त गेम है और खेलते इसमें मज़ा आता है भाई, इसे ज़रूर ट्राई करना, 60 MB की बात है, काय को कंजूसी बरतनी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करना, अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, कोई सजेशन कोई क्यूरी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, लेकिन जाने से पहले एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।